आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई हूँ मेरे नए वेट लॉस जर्नी के साथ। एक्चुअली मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मेरा वेट इंक्रीज करना चाहती थी, क्योंकि मेरा वेट स्टैग्नेट हो गया, लाइक 60 और 61 के बीच में स्टैग्नेट हो गया था। इसीलिए मैं मेरा वेट इंक्रीज करना चाहती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शालिनी मैम, अगर आपका वेट स्टैग्नेट हो गया, भयंकर वाला स्टैग्नेट हो गया, तो हमें उसे डिक्रीज करने के लिए हमारा वेट को 1 or 2 kg इंक्रीज करना है, और उसके बाद हमारा वेट लॉस प्रोसेस थोड़ा सा इजी होगा। तो मैंने वही फॉलो किया, तो लाइक नियरली 2 weeks लग गया था मुझे 62 पर आने के लिए। तो मेरा वेट अभी 62.3 था, मतलब ये डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मेरा वेट 62.3 था। तो मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट किया है, मतलब रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है। तो मैं अभी रिड्यूस करने की प्रोसेस में हूँ। तो मैं कार्ब डाइट शुरू की थी डॉक्टर शालिनी मैम का, एक्चुअली उनके चैनल में समर डाइट प्लान कर है, पर मैम ने बताया था कि उसका नाम कार्ब डाइट प्लान है करके, तो वही मैंने की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आई सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगा दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने इसे कैसे किया मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ये एक्चुअली 4 days का डाइट है, और मेरा 4 days का डाइट हो गया। एक्चुअली कल तक मेरा 4 days का डाइट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं 4 days होने के बाद वीडियो आपको शेयर करूंगी करके, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरा वेट लॉस हुआ या नहीं, मुझे पहले देखना था, उसके बाद ही आपको मैं शेयर करना चाहती थी, नहीं तो नेगेटिव कमेंट से थोड़ा सा पंगा हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए ऐसे नहीं किया, मुझे देखना था एक्चुअली क्या हुआ। जब मैं ये डाइट एक्चुअली लास्ट टाइम ये डाइट जब की थी, मेरा वेट 1.4 grams गया था। तो एक्चुअली डॉक्टर शालिनी मैम ने ये भी कहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ज़्यादा वेट जाएगा, और अगर आप उसके बाद भी करोगे तो आपको कम कम करके रिड्यूस होगा करके बताए थे। तो मैं वेट इंक्रीज कर इस प्रोसेस में आई थी ये कार्ब डाइट पर। तो एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट डे मैं डाइट फॉलो की थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट डे डाइट फॉलो की थी, उस दिन मेरा वेट में कोई अंतर नहीं था, मेरा वेट 62.3 था और कुछ नहीं हुआ। और सेकेंड डे पर उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं था, मतलब मेरा वेट 61.9 पर था। उसके बाद थर्ड डे के बाद मेरा वेट अभी है 60.8 kg पर। वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट डे होने के बाद मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ, सेकेंड डे के बाद मेरा वेट सिर्फ लाइक 0.400 grams ही रिड्यूस हुआ, और थर्ड डे के बाद मैंने 1 kg डिक्रीज किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी क्योंकि फर्स्ट डे पर वेट रिड्यूस नहीं हुआ, सेकेंड डे पर भी उतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं स्टार्ट की थी फर्स्ट डे पर ही मेरा 0.5 kg चले गया था, पर अभी तो पूरा रिवर्स ही हो रहा था। पर ये थर्ड डे के बाद 1 kg कैसे घटा वो भी मुझे नहीं पता। शायद मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा कि मैंने वेट इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा जंक खा दी थी ना, तो इसीलिए ये कार्ब डाइट हमारे मेरे बॉडी में इनकॉर्पोरेट होने के लिए थोड़ा समय लिया होगा, इसीलिए ये स्टार्टिंग 2 days में उतना फर्क नहीं दिखाई दिया, पर थर्ड डे पर फर्क दिया था। और उसके बाद एक्चुअली ये डाइट 4 days का था, तो उसके बाद 4th day मैं पूरा ये वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बाहर आना था, लाइक विजयवाड़ा आना था। लास्ट टाइम भी हम विजयवाड़ा आए थे हमारे हस्बैंड और मेरे भाई के साथ, तो अभी भी मुझे विजयवाड़ा सडनली आना पड़ा, थोड़ा सा काम है मेरे हस्बैंड और भाई को, तो हम सडनली आ गए थे शाम को रेडी होकर। तो बस मैं 4th day पर हाफ डे ही मैं मेरा डाइट कंटिन्यू की थी, और उसके बाद नहीं, तो पता नहीं मेरा वेट अभी कैसे रहेगा। और मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ, कल रात को आई हूँ, लाइक 2 o'clock अराउंड, और आज हम लोग एक प्लेस को गए थे, और वहाँ पर मुझे सिर्फ स्वीट्स ही दिखाई दिया, मतलब स्वीट वाला आइटम्स दिखाई दिया था, मतलब दिखाई नहीं दिया, मुझे वही मिला खाने के लिए। एक्चुअली उसे टेस्ट करना था मुझे,
तो वो टेस्ट करते करते बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया और हमारा लंच भी वही हो गया, क्योंकि उतना ज्यादा स्वीट बनाने की एटमॉस्फेयर में अगर आप रहते हो तो आपको भूख नहीं लगता, और पूरा वो टेस्ट करते करते इतना ज्यादा हो गया कि मेरे मुंह में और कुछ नहीं जा सकता। इस 3 दिन में शायद मैं 1.4 केजीज रिड्यूस की थी, मतलब मैं अराउंड 1.5 केजीज ही बता देती हूँ, तो मैं 1.5 केजी रिड्यूस हुई थी। पर यहाँ पर आने के बाद ये स्वीटी वाला थिंग्स अचानक से खाना पड़ा मुझे, ये वो वाला एक्चुअली टेस्ट करना था जो कि कुछ हमारा काम था, तो उसी लिए पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फिर से मेरा वेट बढ़ जाएगा करके। तो एक्चुअली अभी मेरा हस्बैंड और मेरा भाई बाहर गए थे कुछ ग्रिल वाला फूड लाने के लिए, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ, आज बहुत सारा स्वीटी स्वीटी हो गया है स्वीट फूड, तो मैं उतना ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ग्रिल फिश ऑर्डर किया था। तो वो लोग वहाँ लेकर आने के लिए गए थे और मैं अकेली हूँ रूम पर, क्योंकि आज मैं बहुत ही थक गई हूँ, पूरा खड़े होकर ही हमारा काम था तो बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, और कल भी हमारा कुछ काम होगा और वो होने के बाद हम वैसे हमारे घर चले जाएंगे। तो यही है, तो बहुत कुछ बकबक मैंने कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे लाइफ्स में ना कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा था कि इंक्रीज होने के बाद 4 डेज कार्ब डाइट से मैं फिर से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी करके, पर 4th डे बिना कंप्लीट हुए ही मुझे यहाँ पर आ जाना पड़ा और मैं वेट लॉस जर्नी कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारा लाइफ ऐसे ही होता है, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न हम अगर हम सोचते हो तो उसे फॉलो करना है करके हम दिमाग में रखते हैं, पर वो हमारे साथ नहीं होता, हमारे सिचुएशंस के साथ नहीं होता। तो यही है, अगर आप इस पर भी नेगेटिव कमेंट्स डालना है तो डाल लो यार, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सब लोग का रिदम, सब लोग का इश्यूज कुछ अलग होता है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो इतना ही है, तो चलिए सबसे पहले मैं बहुत बकबक कर दी हूँ, और तो चलिए मैं इस वीक में लाइक इस 4 डेज में मैंने क्या क्या कहा था तो वो सब आपको मैं दिखा दूंगी, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलोटी पार्ट 3 ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने सैंडलवुड ऑयल मिलाया है, ये 50 ml का ग्लास है और ये 100 ml मैं यहाँ पर एलोटी ली हूँ। डॉक्टर शालिनी मैम रिसेंटली कहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग लेना पड़ेगा, तो मैंने सोचा था कि मैं 50 ml के इस तरह की ग्लास शॉर्ट ग्लास है ये 50 ml का, तो इसमें ले रही हूँ, और ये पीने के बाद मैं ये 100 ml वाला पीऊँगी। ये येलो टी पार्ट 3 थोड़ा सा कड़वा लगता है टेस्ट में, और येलो टी पार्ट 1 बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, पर शायद इसमें अजवाइन है इसीलिए थोड़ा सा कड़वा लग रहा है। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ सोक्ड मेथी ले रही हूँ, यहाँ पर सलाद ले रही हूँ, सलाद में मैं कैरेट और ऑनियन को मिक्सी में पीस लिया है और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल दिया है। एक्चुअली डॉक्टर शालिनी मैम के वीडियो में एक फोटो है, उसके रेफरेंस से मैंने ये सेसमी सीड्स डाला है। सॉरी दोस्तों, आज कोई भी ग्रीन वेजिटेबल मेरे पास नहीं है, मैं आशा करती हूँ कि कल से मैं ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर इसके अंदर ऐड करूँ, तो आज के लिए तो इतना ही है, सलाद में मैं ऐसे ही खाऊंगी। अभी ये फ्रूट्स का टाइम है तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा प्रोमोग्रेनेट खाने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमोग्रेनेट है खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर 2 रोटियाँ ले रही हूँ और ये मेरा कैरेट का सब्जी है जो मैंने मॉर्निंग सलाद में खाया था उसी तरह का है, उसे ऑनियन और कैरेट को मिक्सी में पीस लिया है और थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया है और मेरा बन गया ये करी। एक्चुअली मुझे इजी रेसिपीज बनाना बहुत ही पसंद है और इस तरह की डाइट में तो हमें पूरा किचन में ही रहना पड़ता है, मुझे ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसी तरह का सब्जी बनाकर खाऊंगी। शायद दोपहर को भी मेरा यही सब्जी होगा क्योंकि थोड़ा कुछ मैं बचा कर रखी हूँ। तो वेलकमिंग टू दिस चपातीज, मैंने जीवन में
कभी भी चपाती के ऊपर घी लगाकर कभी नहीं खाया है। एक्चुअली मुझे घी से बहुत ही नफरत है, मुझे उसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका टेस्ट भी। पर पता नहीं, अभी मैंने सोचा था कि मैं घी लगाऊंगी करके, तो इसीलिए मैं ये हैटसन का बहुत ही छोटू सा बोतल लेकर आई। पता नहीं ये टेस्ट कैसे लगेगा गाइस, तो अभी मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ घी के साथ। बहुत ही डर लग रहा है एक्चुअली, टेस्ट बहुत ही अच्छा। अभी मेरा सलाद का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर एक कैरेट ली हूँ और मैं इसे खाने वाली हूँ। सिर्फ कैरेट ही लूंगी यार, एक ही कैरेट, क्योंकि मेरा पेट भर गया है इतना ज्यादा खाने के बाद। सो इसीलिए मैं सिर्फ एक कैरेट ही खा रही हूँ। अभी फिर से मेरा फ्रूट का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पर प्रोमोग्रेनेट खा रही हूँ 1 बाउल। मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ सोखड़ मेथी ले रही हूँ। अभी मेरा लंच का टाइम है और मैं यहाँ पर एक रोटी और कैरेट का सब्जी ले रही हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं जो सब्जी खाई थी वही सब्जी है ये, थोड़ा सा बच गया था तो अभी मैं इसे खाने वाली हूँ। ये सब्जी का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है। अभी मैं यहाँ पर 150 ml ग्रीन टी पी रही हूँ। अभी शाम स्नैक्स का टाइम है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बाउल पफ्ड राइस और ये अखरोट्स। मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट ऑफ सोखड़ मेथी ले रही हूँ। डिनर में मैं यहाँ पर रेड लेंटिल्स का दाल तड़का खा रही हूँ। तो ये है मेरा वीडियो दोस्तों। एक्चुअली मैंने उस दिन रात को LOT पार्ट 3 लिया है विद सैंडलवुड ऑयल, जो कि मैं फिल्म करना भूल गई थी, तो उतना ही है। तो ये है मेरा वीडियो दोस्तों, इससे ही मैं फॉलो कर रही थी। पर डिनर मैंने चेंज किया था सेकेंड डे और थर्ड डे पर, वो है मैंने लिया है पनीर, स्टेयर फ्राइड पनीर विद सम सीजनिंग्स ऑफ कोरिएंडर एंड मिर्ची का पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा शॉर्ट करके, जैसे कि शाली मैम ने बताया था, पनीर भी खा सकते हो या दाल भी खा सकते हो दाल तड़का। तो फर्स्ट डे मैंने दाल तड़का लिया और सेकेंड डे थर्ड डे मैंने पनीर का वो स्टेयर फ्राई लिया था, बस उतना ही। उसमें कैप्सिकम कुछ ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इतना ही था। वो थर्ड दिन पर मेरा एस्टोनिशमेंट वेट लॉस मुझे बहुत अच्छा लगा, और घर जाने के बाद मैं फिर से मेरा वेट चेक करूंगी, पता नहीं कितना बढ़ गई हूँ, क्योंकि आज का शुगरी आइटम्स बहुत ज्यादा था, सीरियसली बहुत ही ज्यादा। कहते हैं ना, खाने से भी और सूंघने पर भी हमारा वेट बढ़ जाता है, तो वैसे ही हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वीटी आइटम्स सुन रही थी और उसे खा भी रही थी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट तो बढ़ा होगा, उतना ज्यादा नहीं, लाइक ग्राम्स में डिफर होगा। पर कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि मैं किस डाइट्स करने पर मैं रिड्यूस होंगी करके, मुझे वो तो पता चल गया। अभी मेरा ये देखना है कि 60 के नीचे मेरा वेट फिर से जाएगा या नहीं, क्योंकि 60 पर ही मेरा वेट स्टैग्नेट हो गया था, तो उसे देखना है वैसा जाने के बाद, तो वही मेरा एम है। तो इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड एक्सक्यूज मी फॉर दिस वीडियो क्वालिटी, क्योंकि यहाँ का लाइट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अजीब दिखूंगी।